देखो तो एग्जांपल्स हैं, देखो एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल, लेट अस सपोज वी की वैल्यू मैंने आपको दी 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2। तो कोई भी बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको दे दी, तो एक्स की वैल्यू अगर चेंज होगी तो वी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैंने आपको इंस्टेंट वेलोसिटी दे दी और आपको ये कहा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन, कब, जब बॉडी एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे जाती है। ये क्वेश्चन है, तो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट 0 से कितनी है, 2 मीटर है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा। तो क्या करें, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, वर्क डन की कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन करें या ना करें, चेक करें फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सॉल्व, डिफरेंशिएट करें, ए निकालें, तो इसमें पहला तरीका क्या होगा, आप इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डीवी बाय डीटी, फिर ए निकाल लें, फिर फोर्स निकाल लें, फिर वर्क डन करें। आप ऐसा ना करें, आपको इजी तरीका बताता हूँ। आप इसमें सिंपली एक काम करें, सिंपली जब एक्स की वैल्यू 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितनी है, 5 × 0 कितना, 0 कर लिया। जब x की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 × 2⁻⁷ कितना, 3/2। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, 1/2 × बॉडी का मास 1/2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 × बॉडी का मास 1/2 इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में मान लो मास की वैल्यू भी गिवन है, तो मुझे एक बात बताओ, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, मास पता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इंस्टेड क्या आप इंटीग्रेशन करें, बेस्ट तरीका है वेलोसिटीज की वैल्यू को यहां पर पुट करके क्या निकाल लें, काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और वही अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, जैसे सपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं इसमें क्या आंसर कोई दे पाएगा नहीं दे पाएगा। लेट अस सपोज एक ब्लॉक है 4 kg, ठीक है, हमने फोर्स किया 4 kg, एक बुलेट जिसका मास है 1 kg, राइट, बुलेट की वेलोसिटी 1 m/s है, ब्लॉक रेस्ट पे है, बुलेट ब्लॉक को हिट करता है और इस ब्लॉक के अंदर एम्बेड हो जाता है, इसके अंदर घुस जाता है और एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो इसका मास क्या हो जाएगा जब बुलेट ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, 5 kg। कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, क्या करेंगे, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है, किस चैप्टर में किया है, टॉपिक का नाम बोलो, टॉपिक का नाम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये टॉपिक किया था। अगर कोलिजंस होती हैं, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, कभी भी कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या करेंगे, इस गोली के लगने से पहले मोमेंटम क्या है, 1 × 1, इसका मोमेंटम क्या है, 0। जब ये इकट्ठे मूव करेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या है, 13। तो आंसर क्या आएगा, 2.5। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आज हम कर नहीं पाए थे असाइनमेंट के अंदर जो मैंने दिए थे, उसमें ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, सपोज
ये एक पेंडुलम की तरह एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसका मास है 4 kg, लेंथ इसकी 1 meter है, यहाँ से एक बुलेट आती है, 1 meter per second जिसका मास है 1 kg, इसके अंदर एम्बेड हो जाती है। क्वेश्चन है इसके अंदर रुक गई, दोनों इकट्ठे मूव करे, बताओ इसने हाइट कवर क्या की? यू हैव टू कैलकुलेट कि ये हाइट कितनी कवर करेगा, ये क्वेश्चन है, लेकिन हाइट बाद में कवर करेगा। पहला काम क्या होगा? वेलोसिटी निकालना कॉमन। तो कॉमन वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? बुलेट के लिए 1:1 ब्लॉक रेस्ट पे है, और जब ये हिट करेगा, हिट करने पे 4+1 कितना हो गया, 5 kg विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो बोलो कॉमन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? 5 × VC, तो VC की वैल्यू क्या आएगी? 2/5, कितना? 1/5, राइट? तो यहां पर क्या आएगा? 1/5, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 1/5, लेंथ क्या है? 1 meter, लेट अस सपोज ये यहां पे आ गया, और आपको क्या निकालनी है? हाइट h। बोलो हाइट h कैसे निकलेगी, क्या करूं नेक्स्ट स्टेप, क्या करूं? सर्कुलर मोशन में पेंडुलम्स किए थे हमने, कॉन्सेप्ट बत बोलो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई आज तो किया, कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, किसी भी दो पॉइंट पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और यहां पर भी सम ऑफ पोटेंशियल एंड सेम है, तो पोटेंशियल लोएस्ट पॉइंट पर कितनी? 0, 1/2 × 5 × 1/5 का होल स्क्वायर, यहां पर पोटेंशियल कितनी? mgh, और काइनेटिक कितनी? 0, इक्वेट कर लेना, h की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको?